ऐसा ना पहली बार हुआ है शादी के बाद मेरी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे सब। तो अभी ना सुबह के मतलब 9:45 हो रहा है और मैं नीचे जाने वाली हूँ अभी। आज मैं अकेली हूँ, शशांक गए हैं शादी में छिंदवाड़ा, मेरी जो बहन है बुआ की बेटी तो उसकी शादी है और मैं नहीं जा पाई ऐसे में। तो शशांक गए हैं और तेंदुखेड़ा से माँ पापा लोग भी गए हैं। तो ऐसा ना पहली बार हुआ है शादी के बाद मेरी कि जितनी भी बहन भाइयों की शादी रही है ना उसमें गई हूँ और फुल एंजॉय किया, बट आज ऐसा दिन है कि मैं नहीं जा पाई। तो बन रहा था कच्चा पक्का जाऊँगी नहीं जाऊँगी जाऊँगी नहीं जाऊँगी, फिर फाइनल में नहीं गई और शशांक गए हैं। तो बस वो कल शाम को ही निकल गए थे यहाँ से माँ पापा के साथ ही, बस से लुक गए हैं। और बस रात में मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसा ऊपर रूम है और रात में ना मैं सो गई थी, बट फिर ना बहुत ज़्यादा गेट आवाज़ कर रहा था, अचानक से आवाज़ चल रही थी तो फिर मेरी नींद खुल गई। फिर लगा लाइट ना चली जाए, बट ठीक है लाइट भी नहीं गई और मैं सो भी गई थी। फिर उसमें मैंने कुछ फंसा दिया था तो कुछ इतना पता नहीं चला सुबह से। फिर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अरहम जो है थोड़ा ड्रामे करता है सुबह से, शशांक रहते तो वो सीधा बेड से उठा के खड़ा कर देते हैं वॉशरूम में और मुझे जो है अभी उसे ऐसे उठाना वगैरह नहीं है, तो उसे थोड़ा प्यार से उठा रहे थे ताकि वो जो है परेशान ना करे। तो उसको नहलाने धुलाने में नहाता तो वो खुद से है बट टाइम लगाता है तो उसे अच्छे से नहाना होता है। तो बस वो रेडी हो गया है, यहाँ देखो उसका हेयर कट हो गया है, तो उसके स्कूल में ऐसे आर्मी वाला कट चलता है क्रू कट, बाकी अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट लग रहा है। तो बस अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ और सुबह से बहुत खाली खाली लग रहा है, शशांक है नहीं। तो खाना जो है मम्मी ने दाल चावल सब्ज़ी बना लिया है, अभी मैं जाके रोटियां वगैरह बनाऊंगी या सोच रही हूँ पूड़ी भी बना लूँ। 2-3 दिन से पूड़ी है ही नहीं, हम लोग ने बनाई नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ। आज अरहम जो है वो स्कूल भी नहीं गया है क्योंकि छोड़ने लाने का थोड़ा सा रहता कि कौन जाएगा। मैंने कहा था शशांक से मैं छोड़ाऊँगी, बट शशांक बोले रहने दो अभी तो छोड़ाऊँगी, दोपहर में फिर परेशानी होगी धूप में। बट ठीक है अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या काम है। आज तो मलाई वगैरह भी बहाना है तो यदि करूँगी मलाई का काम तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर अभी नीचे चलते हैं। तो अभी मैं ना नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे जो है थोड़ी सी ही रोटियाँ बनानी क्योंकि शशांक है नहीं और मम्मी को आज एक ही टाइम खाना खाना है क्योंकि 14 है, तो थोड़ा सा ही मतलब बनना था खाना और थोड़ी सी ही रोटियाँ बननी है। तो बस यहाँ पे जब 14 या अष्टमी होती है ना तो मम्मी एक टाइम खाना खाती हैं, तो उनके लिए जो घी होता है वो हम अलग से निकाल लेते हैं, मतलब नॉर्मल घंटी वाला घी यूज़ नहीं करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं और ऑयल वगैरह का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना पापा को खाना खाने के लिए बैठ रहे क्योंकि उन्हीं को शॉप खोलनी है तो आज वो जल्दी जाएंगे। तो पहले तो उन्हें पराठा बनाया बट मम्मी ने एक रोटी दे दी थी तो फिर उन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो थोड़ा सा लेट खाते, बट आज जल्दी खाना खाना था तो फिर अरहम ने पराठा खाया। बस उसके बाद ना मैंने फटाफट से सारी रोटियां सेक ली और घी तो हम लगा के रखते ही हैं तो वो तो आपको पता ही है। तो हम ना कल महावीर जयंती पे वहाँ पे गए थे ना जुलूस में, तो क्या हुआ घी वगैरह तो मम्मी निकालती हैं ज़्यादातर क्योंकि वो दोपहर में कर लेती हैं, जब मैं ऊपर आती हूँ ना तो वो जैसे जल्दी लेट जाती तो फिर जल्दी उड़ भी जाती हैं, तो दोपहर टाइम मम्मी घी वगैरह मलाई से ये सब कर लेती हैं। तो अभी क्या हुआ है मम्मी उस दिन ना पट्टी पे जिस पे हम लोग बैठे थे ना, तो मम्मी से कहे यहाँ पे बैठ जाओ तो वो ऐसे हाथ रख के बैठ रही थी, तो उनको ना पता नहीं क्या थोड़ा सा हाथ में दर्द आ गया है ऊपर साइड में, तो
इसलिए फिर वो उनसे मैं ज़्यादा ऐसा कुछ काम नहीं करा रही हूँ कि मतलब रोटियाँ सेकना बनाना या मलाई में भी बहुत चलाना पड़ता है ना हाथ से, तो फिर उसमें और दर्द बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने कहा मैं कर दूँगी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज दोपहर में आप लोग के साथ शेयर भी करना था कैसे हम मलाई से घी निकालते हैं और फिर उसी से खोवा भी बनाते हैं, तो फिर मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सिक गई हैं तो मैं जल्दी जल्दी इसमें घी लगा के रखूँगी और फिर पूड़ी भी बनाना है और खींचला कचरी ये सब भी तलना है। तो कचरिया जो है ना हम लोग मम्मी जो है शिवनगर से ले आती हैं, वहाँ पर ही मिल जाती है और घर पर हम नहीं बनाते हैं, बाहर से ही ले लेते हैं। तो फिर मम्मी जो है 14 है अष्टमी है तो उसमें कचरी वगैरह ले लेती हैं, हरियाली नहीं लेती हैं वो, तो थोड़ा बहुत इस टाइप की चीज़ें या कैंथे का भी मतलब वो सुखा के रख लेती हैं, चटनी टाइप करके सुखा के, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक वो हो जाता है, तो एक बार तो मैंने भी व्रत में ली थी, तो अभी तो मैं व्रत नहीं कर रही हूँ, मेरे 64 रिद्धि के व्रत जो मैं कर रही थी अब बाद में ही हो पाएंगे, तो उसमें मम्मी ने एक बार दी थी तो बहुत अच्छे से फिर ऐसी चीज़ें रहती हैं तो व्रत हो जाता है। यहाँ पे जो कचरी थी वो मैंने पहले ही तल दी है और बाकी जो खींचला है वो भी मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो ऑयल मम्मी ना थोड़ा बहुत ऐसा मतलब फ्राई चीज़ें ले लेती हैं, पर वो हम लोग जो है साफ़ वाला मतलब यूज़ किया हुआ वाला ऑयल नहीं लेते हैं, और जब व्रत चलते हैं ना तब तो ऑयल का यूज़ ही नहीं करते हैं। इस बार लास्ट टाइम हम लोग ने ना एक कभी 16 वाला ऑयल भी आता है वो लोग चौके में भी यूज़ करते, वो वाला लाए थे, बाकी नहीं तो फिर घी का ही यूज़ होता था। बाकी नॉर्मल जो ये अष्टमी 14 वाले व्रत करती है ना मम्मी, तो इसमें ऑयल और घी जो है हम लोग अलग से निकालते हैं बर्तन में फिर उसका यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे जो खींचला थे वो भी मैंने सेक के रख लिए हैं और ये जो है ये आटे की खींचले और थोड़ी सी पूड़ी रह गई हैं तो उन्हें भी बना के रख लूँगी। इतना करने के बाद मैंने थोड़ा सा सामने सामने प्लेटफॉर्म जो है उसे क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ रही थी। थोड़ा सा क्लीन इसलिए कर लिया ताकि आटा वगैरह डाला हो तो उस पर चींटियाँ ना हो ज़्यादा, उसके बाद खाना खा के फिर मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, जो भी बर्तन थे डिब्बे वगैरह पूड़ी के खिचला के सबको पोंछ के मैंने व्यवस्थित रख दिया है और पूरा प्लेटफॉर्म जो है खाली कर लिया है। धुलने वाले बर्तन जो थे वो मैंने धुलने में सिंक में रख दिए हैं, हमारे यहाँ सिंक में से ही बर्तन मंजते हैं। उसके बाद मैंने गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि अब सीधा दोपहर में ही जो है यहाँ पे कुछ भी काम होगा, तब तक के लिए ये ऐसे ही साफ रहेगा। इसके बाद फिर दूध भी मैंने छान दिया था और वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। बर्तन का ऐसा है कि हम सिंक में से ही मांजते हैं तो थोड़े से बर्तन थे तो उन्हें भी साथ ही साथ यहाँ पे क्लीन कर दिया है। हम महिलाओं का ज़्यादातर जो दिन का पूरे दिन का जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है ना वो किचन में ही जाता है, सुबह से लेकर रात तक में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो किचन में जाता है, सुबह से नाश्ता बनाओ खाना बनाओ फिर दोपहर में कुछ खाने पीने के लिए बनाओ फिर शाम को खाना बनाओ, उसके मतलब ऐसे ही दिन पूरा निकल जाता है। तो जो पूरे दिन का सबसे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं वो किचन ही है, तो इसे क्लीन रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारा काम करने में मन लगे। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल दिए, सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया है। उस साइड वाला एरिया मैं आप लोग को दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ वॉलपेपर वगैरह लगा नहीं है और टाइल्स मार्बल है, मतलब पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है तो फिर वहाँ वो मार्बल वहाँ का ना ठीक नहीं है, काला टाइप का दिखता है, फ़ोन में और ज़्यादा ही डार्क दिखता है तो इसलिए मैं उस साइड का एरिया दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ना दोपहर में मिल रही हूँ इसके बाद आपसे, तो मैंने बताया था मलाई की दिखाऊंगी मैं कैसे हम मलाई से घी निकालते हैं। तो यहाँ पे दो बर्तन में जो है हमारी मलाई जो है इकट्ठी हो गई थी तो उसे मैंने इस कढ़ाई में पलट लिया था और उसे ना कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए मुझे इस तरीके से चम्मच से उसे चलाते हुए इस तरीके से फेंटते हुए, और उसके बाद तब जाके ये मतलब मक्खन बनना स्टार्ट हुआ था। आज बहुत ज़्यादा सच में बहुत टाइम लग गया, तो मैंने तो आपको स्पीड में दिखाया है
तो बस यहाँ पे बहुत देर तक ऐसे हम लोग फेंटते रहते हैं। उसके बाद ना जब मलाई डालते तो एकदम जमी हुई होती है, तो पहले वो पतली होती है, उसके बाद जब हम बहुत टाइम तक फेंटते रहते हैं ना, तो उसके बाद इस तरीके से इसका जो मक्खन है ना वो अलग हो जाता है, और ऐसे दूध दूध सा टाइप का ये अलग हो जाता है। तो आप चाहो तो ये जो दूध निकलता है ना इसमें से उसको रख लो, अगले दिन ये खट्टा वट्टा हो जाएगा तो आप ऐसा मही इसे यूज़ कर सकते हो। अप्पे वगैरह सूजी का कुछ बनाते हो तो उसमें आप दही की जगह ये डाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं इससे खोवा बना लेते हैं, तो खोवा से फिर पेड़ा या मिठाई जो भी खाना हो वो बना लेते हैं 2-3 बार का खोवा इकट्ठा करके। तो हम बताएंगे खोवा भी कैसे बनाएंगे। तो ये देखो आप मक्खन इकट्ठा हो गया, मक्खन मतलब निकल आया है मलाई से, तो बस इसको अभी मैंने एक साइड रख दिया है और क्लीन कर दिया है पूरा, क्योंकि गिरता भी है यार अपन ऐसे काम करो, और हमको मैंने कहा थोड़ा सा मक्खन खा लो। इसके बाद इसे रख देना है हमें गैस पे, तो इसमें अच्छा थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है, तो इससे निकल आएगी हमारी मलाई, सॉरी इससे निकल आएगा हमारा घी। और जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैंने क्या किया कि ये रख दिया यहाँ पे, चलाते 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 ना मैंने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह बना लिए। वैसे तो मेरा मन हो रहा था कि मैं पोहा वगैरह ऐसा कुछ खाऊं जिससे मेरा पेट भर जाए, मुझे भूख लगाई थी बहुत तेज, बट क्या होता है ना कि मैंने ना थोड़ा सा कंट्रोल किया और फ्रूट्स वगैरह मेरा पेट भरता नहीं है, मुझे वैसे तो बिल्कुल मन ही नहीं होता खाने का, बट मैंने सोचा नहीं यार बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने एक अनार बनाया, आम बनाया, और हमने ककड़ी आम वगैरह सब खा लिया है अभी दादी से लेके, तो मैंने उसे अनार नहीं खाया, तो थोड़ा सा अनार मैंने उसे भी निकाल दिया है। मना कर रहा था पर मैंने कहा नहीं नहीं खा लो, तो उसने थोड़ा सा अनार खा लिया। साथ मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए और यहाँ पे थोड़ा चलाते भी जा रही थी साथ ही साथ, नहीं तो ना नीचे लग जाता है, और मैं फ्रूट्स खाने के लिए बैठ गई थी और ना सच में नीचे थोड़ा सा लग भी गया था, पर ठीक है कोई नहीं, बाद में वो हमने हटा दिया था। तो ये देखो आप घी में से जो मक्खन में से जो है ये घी निकलना जो है स्टार्ट हो गया है, इसे हम थोड़ा देर और चला लेते हैं। ये देखो गाइस जो हमारा घी है वो बन के रेडी हो गया है, तो इसे हम फिर छान लेते हैं। तो एक डिब्बी में ना हम ये इसका छन्ना अलग ही रखते हैं, तो बस यहाँ पे जिसमें हमें निकालना है वो बर्तन ले लिया है, उसमें ये छन्ना लगा लिया है, और अभी हम इस जो घी को है पूरा छान लेंगे। और इसमें ना थोड़ा सा फिर खोवा जो है इकट्ठा हो जाता है जब हम छानते हैं, तो वो कपड़े में रह जाता है, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे खोवा बनाने में। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने सारा घी छान लिया है। इसके बाद ना कढ़ाई मैंने साफ कर ली है थोड़ा सा खरोच के, तो इसमें क्या करना है खोवा बनाने के लिए जो ये दूध निकला था ना जब हमने मक्खन निकाला था, तो सबसे पहले तो इसे डाल देना है, और आप इसको थोड़ा सा तेज कर सकते हो, और इसे उतना ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता है। तो बस ये जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा ना, तो क्या करना है कि इसमें जो हमने अभी घी छाना है उसमें जो ऊपर इकट्ठा हुआ है ना खोवा जैसा, उसको क्या करना है इसमें मिला देना है। खोवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल 5 मिनट ही लगता है, तो इसको आप थोड़ा सा तेज़ कर लोगे ना तो ये जल्दी ऐसे थिक हो जाएगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। इसी टाइम इसमें आपको ये ऐड कर देना है निकाल के, और बस इसको चला देना है, तो ये पूरा जो है ना आपको देखिएगा कि और भी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। थोड़ी देर आपको चलाते रहना है, जब आपको लगे कि ये अच्छे से थिक हो गया है तो बस आपको इसे फैला देना है अच्छे से, और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से आपको पूरा छुटाते हुए चलाना ताकि आजू बाजू में लगाना रह जाए, और फिर बस आपका जो खोवा है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मैंने इसे फैला दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और अब ये ठंडा हो गया, मैं थोड़ी देर बाद इसको आपको दिखा रही हूँ। इसको आपको फिर इकट्ठा कर लेना है और एक किसी बर्तन में डिब्बे वगैरह में स्टोर कर लेना है। इस तरीके से जब दूसरी बार आप खोवा बनाओगे ना, तो बनाओगे तो जब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हो ना, तब आप इसको भी उसमें मिला के एक बार गर्म कर लेना, तो ये पहले वाला ख़राब नहीं होता है, और एक बार गर्म कर लोगे तो अच्छा रहता है। बस उसके बाद ऐसे आप 2-3 बार स्टोर करके फिर उससे हम तो गुलाब जामुन भी बना लेते हैं, इतना थोड़ा थोड़ा कम कम उसमें क्वांटिटी में, और पेड़े वगैरह बनाते हैं सबसे ज़्यादा। तो बस के बाद हमने पानी वगैरह डाल दिया था पेड़ पौधे में, नीचे आ गए थे हम, तो यहाँ पर हमने ना पहले मैंने हमको पढ़ाया, उसके बाद टाइम बहुत हो गया था, लगभग 7 ही बजने वाला था, तो फिर मैंने टमाटर की सब्जी बना दी फटाफट से, और शशांक को भी आना है, वो 7:30-8 तक आ जाएंगे,
तो फिर उन्हें भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने भिंडी अरहम के लिए सुबह के लिए सुधार के रख लिया अभी से, क्योंकि कल भिंडी पूड़ी रखना है मुझे, और रात के लिए फिर रात में मिल रही हूँ आपसे। तो शशांक आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है लगभग 8:30 बजे, और यहाँ पर मैं अरहम के लिए जो है दूध बॉयल कर रही हूँ, और उसे दूध देती हूँ मैं 1 गिलास रात में। कभी कभी यदि उसका खाना थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर मैं उसे दूध नहीं देती हूँ, नहीं तो मैं उसे डेली 1 गिलास दूध सुबह जब वो सो के उठता है और 1 गिलास दूध रात में मैं उसे देती हूँ। तो इस तरीके से ना एक गृहिणी का जो पूरा दिन होता है वो इस तरीके से बिजी बिजी जाता है। किसी किसी दिन बहुत टाइम मिल भी जाता है, पर कभी कभी जो दिन होते हैं वो पूरा ही एकदम बिजी बिजी जाता है, पूरा दिन ही किचन में चला जाता है। तो बस यहाँ मेरा दिन जो है वो मतलब काम काज से फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं और अरहम भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो बस मैंने उसके लिए दूध बॉयल किया है तो दूध दे दिया। बस यहाँ पर वो दूध पी लेगा और हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि अरहम का कल स्कूल है तो उसे मैं टाइम पर ला देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी लोगों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।